हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस देखा था. उसमें सब्जेक्ट, एक्शन, वर्ब, ऑब्जेक्ट का सब देखा था, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे यूज़ करते हैं वो सब देखा था. बहुत इजी कंसेप्ट है. कब यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस? जब हमें कुछ यू नो डेली एक्टिविटी बताना हो, राइट? या तो फिर कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा सच हो वो बताना हो, तब यूज़ करते हैं. या तो कोई कमेंट्री के अंदर, या तो फिर कोई किसी की स्टेट बताने के लिए, अभी की स्टेट, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं, राइट? तो दिस टाइम विल बी लुकिंग एट अनदर चैप्टर. दिस चैप्टर विल बी अबाउट स्टेट वर्ब्स. सिर्फ स्टेट वर्ब्स के बारे में ही होगा, और स्टेट वर्ब्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टेट वर्ब्स के बारे में. आपको अगर याद हो तो स्टेट वर्ब क्या था? जो किसी की अवस्था को बताता है, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट वर्ब. वो हमने लास्ट टाइम सीखा था, राइट? रीड कर लेते हैं. वॉट आर एक्शन वर्ब्स एंड स्टेट वर्ब्स? स्टेट वर्ब्स, एक्शन वर्ब तो पता है, जो चीज़ को एक्शन डिस्क्राइब करता है वो एक्शन वर्ब, और जो किसी की अवस्था बताता है दैट इज कॉल्ड अ स्टेट वर्ब. अब हम सीखने वाले स्टेट वर्ब जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. स्टेट वर्ब्स ही सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, राइट? उन स्टेट वर्ब्स का आज हम पढ़ने वाले हैं, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर पढ़ने वाले हैं. अब उसका बेसिक फॉर्म स्टेट वर्ब का होता है बी. बी स्टेट वर्ब का बेसिक फॉर्म होता है, और इसके जो तीन फॉर्म्स होते हैं, दैट इज एम, इज और आर, ये तीन जो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, राइट? तो इस तरह से उसमें सेंटेंसेस हम फ्रेम करते हैं. आई प्लस एम, राइट? वी, यू और दे प्लस आर, राइट? फिर थर्ड पर्सन, ही, शी और इट, इज. आपने अगर नोट किया हो तो थर्ड पर्सन हमेशा एस साउंड आता है, राइट? यहाँ पर भी आया इस, आई एस में इस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टेट वर्ब्स का हम इस तरह से यूज करते हैं. फर्स्ट पर्सन के केस में एम, सेकंड पर्सन के केस में आर, और थर्ड पर्सन के केस में इस, राइट? तो ये बेसिकली द फॉर्म होता है, right? अब स्टेट वर्ब्स का हम कैसे हम यूज करते हैं. एक्शन वर्ब जो आइडिया हमें बताती है, उस आइडिया को हम स्टेट वर्ब से बता सकते हैं, राइट? एक्शन वर्ब जो आइडिया हमें देती है वो हम स्टेट वर्ब से रिप्रेजेंट कर सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक्शन वर्ब यूज़ करूँ आई टीच इंग्लिश, तो ये तो हमने एक्शन वर्ब यूज़ किया, टीच, राइट? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो बेसिक फॉर्म होता है, तो ये तो एक्शन वर्ब है. इसी एक्शन वर्ब को हमने स्टेट वर्ब से कैसे रिप्लेस किया, देखो. आई एम एन इंग्लिश टीचर, मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ. तो आई टीच इंग्लिश का उन्होंने आई एम से रिप्लेस करके आई एम एन इंग्लिश टीचर, राइट? उसी तरह वी स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यानी हम बेसिकली क्या हुए, हम स्टूडेंट्स हुए. तो उसको कैसे हमने स्टेट वर्ब से रिप्रेजेंट किया है, देखो, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, राइट? उसी तरह आप ट्राई करो, यू राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, राइट? अगर आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर राइट करते हैं तो बेसिकली आप क्या हो, आप एक प्रोग्रामर हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, यू आर अ प्रोग्रामर, राइट? सो जो चीज एक्शन वर्ब हमें बताती है उसी सेम चीज को हम स्टेट वर्ब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सब्जेक्ट, स्टेट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? आई एम एन इंग्लिश टीचर, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, यू आर अ प्रोग्रामर, राइट? ये तो कुछ एग्जाम्पल्स दिया. सुनीता डिजाइन्स बिल्डिंग्स, सुनीता इज एन आर्किटेक्ट. सौदामिनी देशमुख फ्लाइज एयरक्राफ्ट, तो यानी सौदामिनी देशमुख इज अ पायलट, राइट? जो डेली एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिंपल टर्म्स के अंदर. राजू रिपेयर्स कार्स, राजू इज अ कार मैकेनिक. इस्माइल लिव्स अ सेंटली लाइफ, इस्माइल इज अ सेंट, राइट? तो फर्स्ट हमने आज सीखा, दैट इज एक्शन वर्ब को हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं, स्टेट वर्ब से कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर. और वो तीन स्टेट वर्ब्स कौन से हैं, इज, एम और आर. एक्शन वर्ब जो आइडिया हमें देती है उसी चीज को हम स्टेट वर्ब्स से भी बता एक्सप्रेस कर सकते हैं, यूजिंग आई प्लस एम, यू प्लस आर, ही और शी इज, राइट? मेनली आपको याद रखना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल केसेस को, राइट? अब स्टेट वर्ब्स का और कहां हम इस्तेमाल करते हैं. स्टेट वर्ब से हम किसी भी ओपिनियंस को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट? किसी भी ओपिनियंस का भी हम स्टेट वर्ब से एक्सप्रेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम फाइन, देखो नेक्स्ट रीड कर लेते हैं. स्टेट वर्ब्स आर यूज टू डिस्क्राइब
states, locations, conditions and opinion. राइट, तो नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पेज में देखते हैं. देखो, आई एम फाइन. राइट, द स्काई इज डार्क. तो ओपिनियंस, कंडीशंस, लोकेशंस, इनको भी हम स्टेट वर्ब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लोकेशन देखो, द गर्ल्स आर एट द बस स्टॉप. फिर यू आर लेट, तुम लेट हो. सर हियर इज योर कॉफी, ये आपकी कॉफी. द बर्ड्स आर इन द स्काई. तो ये एक और सिचुएशन आया जहां पर हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टेट वर्ब्स का यूज किया. किसके लिए हम स्टेट वर्ब का यूज करते हैं? जब भी हम किसी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस या स्टेट्स या किसी की कहां का लोकेशन, ये सब हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम स्टेट वर्ब का भी यूज वहां करते हैं. राइट, अब स्टेट वर्ब्स के अंदर हम नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करते हैं? एक्शन वर्ब्स के केस में आपने कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम किया था, आपको याद है? जरा सोचिए, अगर मैं बोलूं आई टीच इंग्लिश तो उसका नेगेटिव कैसे होगा? आई डोंट टीच इंग्लिश. राइट, आई डोंट टीच इंग्लिश. वी प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट. तो उसका सिंपली आगे हम डोंट लगा देते हैं. राइट, या डू नॉट. तो वो होता है एक्शन वर्ब के अंदर कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना, ये. बट यहां पर अब आया स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब्स में हम कैसे सेंटेंस को नेगेटिव करते हैं? देखो, आई एम अ कार मैकेनिक, तो आगे क्या लगा देंगे हम? आई एम नॉट अ कार मैकेनिक. यू आर राइट, यू आर नॉट राइट, या यू आरंट राइट. उसी तरह रामू इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, रामू पॉलिटिक्स में शामिल है. रामू इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और रामू इजंट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. रामू इज इन्वॉल्व विथ रीता, रामू इन्वॉल्व है रीता के साथ, यानी उसका नेगेटिव क्या होगा? रामू इज नॉट इन्वॉल्व विथ रीता. अब ये दो सेंटेंसेस आपका आप ध्यान रखना इन्वॉल्व केसेस का. आगे बढ़ते हैं. रामू इज क्रेजी अबाउट रीता, रामू इज नॉट क्रेजी अबाउट रीता. दे आर फार्मर्स, दे आर नॉट फार्मर्स. राइट, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है या सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, कहां पर? स्टेट वर्ब्स के केस में, तब हम आगे सिर्फ नॉट लगा देते हैं. राइट, आई एम नॉट, यू आर नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, दे आर नॉट. राइट, वेरी सिंपल कंसेप्ट. तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए एक्शन वर्ब में क्या यूज करते हैं, डोंट, और यहां पर स्टेट वर्ब में हम नॉट यूज करते हैं. अब जो मैंने बोला आपको, ये दो सेंटेंसेस का आपको ध्यान रखना है. देखो क्या है, रामू इज इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. इन्वॉल्व के साथ जब हम इन लगाते हैं, इन्वॉल्व इन, यानी इसका मतलब क्या होता है? वो शामिल है पॉलिटिक्स में. लेकिन हम जब इन्वॉल्व के साथ विथ लगाते हैं, रामू इज इन्वॉल्व विथ रीता, यानी कि रामू का रीता से इमोशनल अटैचमेंट है. राइट, इमोशनली वो अटैच्ड है रीता के साथ. तो इन्वॉल्व के साथ जब इन लगता है और इन्वॉल्व के साथ जब विथ लगता है, तब उनके पूरे मीनिंग ही पूरा बदल जाता है. राइट, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, जब भी आप इंग्लिश सेंटेंसेस बोलते हो, राइट, प्रपोजिशंस का यूज करते हो, राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रपोजिशन किसके साथ जब जाए तो उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए. राइट, अब फिर देखो, रामू इज क्रेजी अबाउट रीता. क्रेजी अबाउट, राइट, क्रेजी फॉर रीता नहीं, या क्रेजी ऑफ रीता नहीं, क्रेजी अबाउट. अबाउट ही जाता है क्रेजी के साथ, ये भी आप ध्यान रखिए. कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं वही कुछ अदर वर्ड्स के साथ वो जाते हैं, उसके सिवाय दूसरे वर्ड्स नहीं जाते हैं. तो पढ़ लेते हैं. देयर इज सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन ओनली विद सर्टेन अदर वर्ड्स. कुछ वर्ड्स का कुछ अदर वर्ड्स के साथ ही कॉम्बिनेशन होता है. दिस इज नोन एज कोलोकेशन, इसको हम कोलोकेशन बोलते हैं. तो इंग्लिश में ऐसे रूल्स होते हैं कि जहां पर एक वर्ड के साथ दूसरा ही वर्ड लगता है, उसके सिवाय दूसरा कुछ लगता नहीं है. राइट, तो ये हुआ सेकंड कंसेप्ट आज का. फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, सेकंड कंसेप्ट हो गया. नाउ वी मूव ऑन टू थर्ड कंसेप्ट, दिस एंड दैट. अब स्टेट वर्ब्स का यूज कहां यूज करते हैं हम, कहां है उसका ज्यादा यूज करते हैं स्टेट वर्ब का? दिस एंड दैट केसेस में. दिस एंड दैट कैसे? काफी बार ऐसा होता है जब तुम किसी चीज को पॉइंट करके बात करते हो. राइट, दिस जब तुम्हारे पास में होगा तो तुम उसको दिस बोलोगे. राइट, जब वो तुम्हारे काफी दूर होगा तो दैट तुम बोलोगे. तो पास में जब वो एक ही चीज होगा तो दिस बोलोगे, और पास ही है लेकिन बहुत सारे हैं, प्लूरल में है, तो दीस बोलोगे.
उसी तरह दूर पर है पर वो एक ही है, सिंगल है, तो दैट बोलोगे, और जब दूर है और बहुत सारे हो तो दोस बोलोगे, राइट। तो स्टेट वर्ब का इस केस में भी यूज होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, तुम जब पॉइंट करके बात करते हो किसी चीज का तो कैसे बोलते, देखो, वेन समथिंग इज क्लोज टू यू दिस, वेन समथिंग इज क्लोज टू यू सिंगुलर टेंस में दिस और प्लूरल में दिस। उसी तरह वेन समथिंग इज अवे फ्रॉम यू, जब कोई चीज सबसे दूर हो तो इट इज दैट एंड दोस, राइट। उसका एग्जाम्पल देख लेते, दिस इज अ बॉल पॉइंट पेन, ये एक बॉल पॉइंट पेन है, एंड दीज आर सम रिफिल्स, और ये कुछ रिफिल्स है, दीज आर सम रिफिल्स, राइट। देखो, जब पास में थे और आपको उसे डिस्क्राइब करना है, दिस और दीज लगा, फिर नेक्स्ट, दैट इज आवर हेड मास्टर्स कार, वो हमारा हेड मास्टर का कार है, दो साइकिल्स बिलोंग टू स्टूडेंट्स, वो जो साइकिल्स वहां दिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स के हैं, राइट। तो दैट हुआ और दोस हुआ, पास में है तो दिस इज इज, राइट, स्टेट वर्ब का यूज किया, यहां पर भी दिस आर स्टेट वर्ब का यूज किया, दैट है तो इज स्टेट वर्ब, वापस दोस साइकिल्स बिलोंग टू स्टूडेंट्स, राइट। फिर ये हुआ थर्ड केस जहां पर हम स्टेट वर्ब का यूज करते हैं। तो कहां कहां अभी हमने स्टेट वर्ब का यूज किया, जरा रिवाइज कीजिए, पहले स्टेट वर्ब्स को हमने कहां पर यूज किया, राइट, हमने किसी भी यानी एक्शन वर्ब का जो आइडिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्टेट वर्ब का यूज किया फर्स्ट केस में। दूसरा, कोई भी फीलिंग या फीलिंग, लोकेशन, कंडीशन, उनको अगर आपको बताना था, फॉर एग्जाम्पल, आई एम फाइन, द बर्ड्स आर इन द स्काई, ऐसे लोकेशन, ओपिनियन, फीलिंग्स को बताना था तो आपने स्टेट वर्ब्स का यूज किया, राइट, वो था सेकेंड केस। थर्ड केस कब आपने यूज किया, जब आपको चीजों को पॉइंट करके बात करना था, दिस इज अ पेन, दीज आर सम रिफिल्स, दैट इज आवर हेड मास्टर्स कार, दोज आर सम साइकिल्स, राइट। तो उस केस में भी आपने स्टेट वर्ब का यूज किया, राइट, पॉइंट करके बात करने के लिए, राइट। अब फोर्थ सिचुएशन जहां पर आप स्टेट वर्ब का यूज करते हो, दैट इज आइडियाज को बताने के लिए, आइडियाज या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स यानी क्या होते हैं, जिन चीजों को हम देख नहीं पाते, राइट, वो कंसेप्ट होता है, यानी हमारे माइंड में होता है कि हाँ ऐसा होगा कुछ, राइट, दैट इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसे हम नहीं देख पाते, दिस इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, तो यहां पर भी हम स्टेट वर्ब्स का यूज करते हैं, दिस इज नॉट ट्रू, दीज आर लेम एक्सक्यूजेस, ये सारे फालतू बहाने हैं, राइट, दैट्स ग्रेट, राइट। तो इस केस में भी जब कोई आइडिया या एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को रिप्रेजेंट करना हो तभी हम स्टेट वर्ब्स का यूज करते हैं। होप कि आपको पता चला होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर स्टेट वर्ब्स का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल रूल्स है, आई के साथ एम लगाना, यू के साथ आर लगाना, ही या शी के साथ इज लगाना, या इट के साथ भी इज लगता है, राइट। ऑल थ्री पर्सन के केस में आपने समझ लिया, राइट, फिर आपने उसके रूल्स समझ लिए। अब आप कुछ एक्सरसाइजेस हम करने वाले हैं। नेगेटिव का खास ध्यान रखना, कैसे नेगेटिव करोगे, आई एम नॉट, ही इज नॉट, दे आर नॉट, राइट, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, और जब एक्शन वर्ब होगा तब डोंट, ठीक है, डोंट भूलना नहीं, आई डोंट टीच इंग्लिश, राइट। तो उस तरह से नेगेटिव्स उसका क्रिएट करते हैं। अब चलो कुछ एक्सरसाइजेस देख लेते हैं, ये आपके लिए है, सिर्फ फॉर यू, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, चलो देखते हैं। Rewrite the following sentences using am, is or are. इन sentences को आपको rewrite करना है, फिर से लिखना है, rewrite करना यानी फिर से लिखना, कौन से चीजों का use करके, am, is या are का use करके। चलो पहला example देते, I fix and repair bathroom fittings. मैं bathroom fittings का को fix और repair करता हूँ, यानी मैं क्या हुआ, I am a plumber, right? तो फिक्स एंड रिपेयर क्या है, एक्शन वर्ब, और उसी चीज को हमने, जब उसी आइडिया को हमें रिप्रेजेंट करना था तो हमने क्या किया, आई एम ए प्लम्बर, वहां स्टेट वर्ब का यूज करके उस आइडिया को हमने रिप्रेजेंट किया। उसी तरह वी स्टडी हिस्ट्री, तो बेसिकली हम क्या है, हम स्टूडेंट्स हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री। फिर नेक्स्ट, यू कुक वेल, तुम अच्छा खाना बनाते हो, तब कैसे तुम करोगे, यू के साथ क्या जाएगा, आर, यू आर ए गुड कुक, राइट, यू आर अ गुड कुक। राजू मेक्स वुडन फर्नीचर, चलो इसका एग्जाम आंसर बोलो,
राजू इज अ कारपेंटर, राइट। अगर कुछ और वर्ड्स आपके माइंड में आता है प्लीज कमेंट करो, क्योंकि मुझे भी सीखना है, राइट। सचिन बिल्ड्स बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, सचिन ब्रिजेस और बिल्डिंग्स बनाता है, तो सचिन क्या होगा? मेरे हिसाब से मैंने आंसर बोला था सचिन इज एन इंजीनियर, मेरे स्टूडेंट ने आंसर बोला सचिन इज ए बिल्डर, राइट। वहाँ पे डिसाइड कीजिए कौन सा ज़्यादा सही है, या आप भी कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या ज़्यादा सही हो सकता है। वसीम अहमद मैनेजेस अ बैंक, वसीम अहमद बैंक को मैनेज करता है, तो उसका आंसर क्या होगा? वसीम अहमद इज अ बैंक मैनेजर। दे ग्रो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, यानी अगर वो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स को उगाते तो बेसिकली वो है क्या? खेडूत, खेडूत का इंग्लिश क्या होता है? फार्मर्स। सो दे आर फार्मर्स। तो इस तरह से हमने एम इज और आर का यूज करके सेंटेंसेस को रीराइट किया। होप कि आपको पता चला होगा कि कंसेप्ट का कैसे हम यूज करते हैं, राइट। एक्शन वर्ब को रिप्लेस करते हैं और उसको हम स्टेट वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? ऑल द बेस्ट। फिर नेक्स्ट आपको इन सेंटेंसेस को इन्वर्ट करना है, यानी उसको नेगेटिव करना है, राइट। यानी नॉट लगाना है या एंटी लगाना है, बहुत ईजी है, कर सकते हो। आई एम अ प्लम्बर, आई एम नॉट अ प्लम्बर। यू आर अ ग्रेट स्टोरी टेलर, तुम एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हो। यू आर नॉट अ ग्रेट नॉट अ ग्रेट स्टोरी टेलर, राइट। द प्लेयर्स आर टायर्ड, प्लेयर्स बहुत टायर्ड है। द प्लेयर्स आर नॉट टायर्ड। द लाइट इज डिम, द लाइट इज नॉट डिम। दिस इज माई पेन, दिस इज नॉट माई पेन। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो इस तरह से आप उसका नेगेटिव क्रिएट करोगे। अब यहाँ पर एक बंदे का उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक बंदा है जो क्रिकेटर बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। वो बंदे का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो क्या बोलते हैं, ही इज़ नॉट डाउन टू अर्थ। वो बहुत ही ये थोड़ा घमंड टाइप का आदमी है। तो देखो किस तरह से सेंटेंस को बोलता है, राइट। आपको करना क्या है, ये सेंटेंस जब मैं रीड कर लूँ उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जहाँ पर पॉजिटिव लगता है वहाँ नेगेटिव लगाना है, और नेगेटिव जहाँ लगता है वहाँ उसको पॉजिटिव करना है, राइट। देख लेते हैं, देखो। कैन यू ट्रांसफॉर्म द पॉजिटिव सेंटेंसेस इंटू नेगेटिव एंड द नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। हियर इज अ पैसेज रिटन बाय अ बडिंग क्रिकेटर अबाउट हिमसेल्फ। बडिंग क्रिकेटर यानी जो उभरता हुआ क्रिकेटर। यू कैन सी दैट ही इज नॉट वेरी मॉडेस्ट। वो बहुत ही वो मॉडेस्ट नहीं है। देखो कैसे वो क्यों ऐसे बोल रहे, देखो पढ़ते चलो। उस बंदे ने ऐसा बोला, ऑल्दो आई डोंट प्ले क्रिकेट रेगुलरली आई एम अ ग्रेट क्रिकेटर। भले मैं क्रिकेट रेगुलरली नहीं खेलता फिर भी मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर हूँ। बाप रे। आई एम एन एक्सेलेंट ऑलराउंडर। आई डोंट हैव टू ट्राई टू हार्ड। मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आई डोंट थिंक सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन। बाप रे। ही हैज मेनी वीकनेसेस इन हिज बैटिंग, देयरफॉर ही इज नॉट माई आइडल। आई एम श्योर आई विल बी अ ग्रेट सक्सेस इन क्रिकेट, बट अनफॉर्चुनेटली माई कोच डजंट थिंक सो। ही डजंट इवन पिक मी फॉर द स्कूल टीम, राइट। तो ये इतने एक सेंटेंसेस हैं। तो इसको आपको पॉजिटिव को नेगेटिव करना, नेगेटिव को पॉजिटिव। स्टार्ट करें, ओके। आप बताइए कैसे जाएगा ये। ऑल्दो आई प्ले क्रिकेट रेगुलरली आई एम नॉट अ ग्रेट क्रिकेटर। आई एम नॉट एन एक्सेलेंट ऑलराउंडर। आई हैव टू ट्राई टू हार्ड। आई थिंक सचिन तेंदुलकर इज अ ग्रेट बैट्समैन। ही हैजंट मेनी वीकनेस, ही हैजंट मेनी वीकनेस इन हिज बैटिंग। यहां पर आप ही हैजंट मेनी वीकनेस भी बोल सकते हो, ही हैजंट एनी वीकनेस भी बोल सकते हो, राइट। देयरफॉर ही इज माय आइडल। आई एम श्योर आई विल नॉट बी अ ग्रेट सक्सेस इन क्रिकेट, बट फॉर्चुनेटली, यहां अनफॉर्चुनेटली मत बोलना, ठीक है, बट फॉर्चुनेटली माय कोच थिंक्स सो। बट भाग्य से मेरा कोच ऐसा समझता है कि मैं खेल सकता हूं अच्छा। ऐसा मत बोलना अनफॉर्चुनेटली मेरा कोच ऐसा सोचता है, राइट। वो फुलिशनेस होगा, राइट। ही इवन पिक्स मी फॉर द स्कूल टीम। सो इस तरह से आपको आपने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया और पॉजिटिव को नेगेटिव में कन्वर्ट किया। होप यू अंडरस्टूड दिस। लास्ट आज का एक्सरसाइज देख लेते हैं। आपको खाली बताना है इन लोगों के बीच में कॉमन क्या है, राइट। ये सब एक कॉमन प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं और आपको बताना है कि कौन से प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब वहां पर भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हो और स्टेट वर्ब्स का यूज आप करते हो,
राइट। तो ये सब जो माजरा है वो हम स्टेट वर्ब को समझने के लिए कर रहे हैं, राइट, ज़्यादा समझने के लिए हम कर रहे हैं। तो सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, तो दे आर राइटर्स, दे के साथ आर लगाया, दे आर राइटर्स। शकीरा, सोनू निगम, श्रेया घोषाल, राइट, तो क्या बोलोगे, दे आर ऑल सिंगर्स। नसीरुद्दीन शाह, काजल, करीना कपूर, दे आर ऑल, देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, दे आर ऑल एक्टर्स। पीटी उषा, ब्रायन लारा, साइना नेहवाल, दे आर ऑल स्पोर्ट्स पर्सन्स। सतीश गुजराल, जतिन दास, एंजलि इला मेनन, अब इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम था तो मैंने फाइंड आउट किया, दे आर ऑल आर्टिस्ट्स, ये सब जो चित्र दौड़ते हैं या पेंटिंग्स करते हैं ये वो है, राइट। बराक ओबामा, एल के अडवाणी, मायावती, तो दे आर ऑल पॉलिटिशियंस। ओके, होप कि आज का लेक्चर आपको पता चला होगा, और आपने जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत थैंक्स करता हूँ फ्रेंड्स आपको, आप लोग ही हो मेरे फ्रेंड्स, यानी आई लाइक टू शेयर विद यू पीपल ओनली, आई डोंट लाइक टू शेयर इट विद एनीवन एल्स, प्लीज सपोर्ट मी। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर दैट आई डिलीवर्ड टुडे, को मुझे आशा है कि आपको पता चला होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि शेयरिंग इज केयरिंग, प्लीज़ शेयर मोर, ताकि ज़्यादा लोगों को नॉलेज पहुँचे। ओके, थैंक यू, बाय।